घर जैसे साथ में पहुंचा, उसने कहा प्रभु सुन, इतना बड़ा भव्य मकान पूरे आगरा में किसी का नहीं है। अच्छा, और बोले इस घर में सबसे भव्य कमरा जो है वो तेरे लिए मैंने बनाया है। वो पहले माले पर यीशु को लेकर गया और पहले माले के पहले कमरे में उसको ले जाकर बोला प्रभु ये कमरा तेरा, इसमें लगा एयर कंडीशन तेरे लिए, डल्लब का गद्दा तेरे लिए, साउंड प्रूफ कमरा है, तुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, पर 11 बजे का ध्यान रखना। बहुत मारता है, बहुत मारता है। प्रभु ने बोला चिंता मत कर, तू जा। साउंड प्रूफ वाला रख दिया। रात हुई, फिर कितने बजे? 11 बजे। और क्या हुआ? कट कट। फिर इसने दरवाजा खोला, शैतान अंदर आया और तबीयत से पिटाई करके गया। ये दौड़कर पहले माले पर पहुंचा और जिस कमरे में प्रभु था उस कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। प्रभु ने दरवाजा खोला, क्या बात है? अरे बोले प्रभु तू यही है? हाँ मैं यही हूँ। यीशु ने बोला जब तू यहाँ है तो तूने ध्यान नहीं दिया, 11 बज गई थी, बहुत पीट कर गया। बोले मेरी खता नहीं है, एयर कंडीशन चल रहा था, डल्लब का गद्दा मिला हुआ था, साउंड प्रूफ कमरा था, घंटी की आवाज नहीं आई। उसने बोला अच्छा ठीक है प्रभु। यीशु का हाथ पकड़ा, अब नीचे माले पर लेकर गया, जो फ्रंट डोर है, जहां बेल बजती है, डोरबेल बजती है, जहां पर ठक ठक होती है, उसके ठीक सामने वाले कमरे में। देख प्रभु अब तुझे यहाँ रहना है, यहाँ एसी नहीं है, डल्लब का गद्दा नहीं है, साउंड प्रूफ कमरा नहीं है, और तू कहता है तुझे आराम हो गया, नींद हो गई, 10 साल पुराना कूलर रखा है, खड़खड़ 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 करता। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, पर बोले प्रभु 11 बजे का ध्यान रखना, बहुत मारता है। फिर दिन अच्छे से निकल गया, रात आ गई, इतने बज गए 11 बज गई, और फिर कट कट। फिर इसने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला फिर शैतान अंदर आया और तबीयत से पीट कर गया, इसका फिर दिमाग खराब हो गया। फिर उस कमरे में गया जहां पर यीशु मसीह था, और फिर जब जब यीशु मसीह का दरवाजा ठोका तो यीशु मसीह ने दरवाजा खोला, और जैसे ही यीशु मसीह ने दरवाजा खोला बोला प्रभु तू यही है? अरे मैं यही हूँ, कहा जाऊंगा भाई, तूने रखा, मैं यही हूँ। प्रभु 11 बज गए ना, बहुत मार के गया वो। अरे बोले ये खड़खड़ 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 में मेरे को आवाज ही नहीं आई। अब मुख्य बात पर आता हूं मेरे प्रियो, अगर आप मेरे घर पर मेहमान आओ, बहुत ध्यान से सुनना, घर किसका है? मेरा। अरे मेरा घर किसका है? आपका। अरे मेरा बोलो, मेरा बोलो, आपका ऐसा बोलो, आपका। घर किसका है? आपका। हाँ मेरा। और उस घर में आप मेहमान आए हो, ठीक है, और ड्राइंग रूम में बैठे हो, और बाहर से कोई घंटी बजाएगा तो दरवाजा आप खोलोगे कि मैं खोलूंगा? आप। मतलब जो घर का मालिक होगा वो, जो घर का मालिक होगा वो दरवाजा खोलेगा। यही बात प्रभु उस बंदे को समझाना चाह रहा था, क्योंकि रोज रात में 11 बजते थे और ये बंदा प्रभु को तो घर ले आया था, पर प्रभुता अपने हाथों में रखी हुई थी। उस रात में यीशु ने उसे समझाना शुरू किया, ये ऊपर का कमरा, नीचे का कमरा सब तू रख, पर इस घर की प्रभुता मुझे दे। आज रात 11 बजने थे, चोट पर आवाज आने दे, अब तू नहीं मैं दरवाजा खोलूंगा, और अब मैं देखता हूँ कौन शैतान घर में घुसेगा, और घुसना तो दूर, आसपास भी नजर नहीं आएगा। मेरे प्रियो जब तक तुम्हारे घर की बागडोर तुमने तुम्हारे हाथ में रखी है, शैतान घुसते रहेंगे, बीमारियां घुसती रहेगी, कमजोरियां घुसती रहेगी, तकलीफ घुसती रहेगी, पर जिस दिन तुम यीशु को घर लेकर जाओगे और प्रभुता उसके कांधे पर सौंपोगे, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभुता, प्रभुता यीशु के कांधे पर, यीशु के कांधे पर, तुम्हारी सैलरी की प्रभुता यीशु के कांधे पर, तुम्हारे बच्चों की प्रभुता यीशु के कांधे पर, तुम्हारे माता पिता की समस्या यीशु के कांधे पर, तुम्हारे घर चलाने की यीशु के कांधे पर, हर बात की प्रभुता
यीशु के कंधे पर, तुम्हारे खाने की मेज की प्रभुता यीशु के कंधे पर, तुम्हारे संगति की प्रभुता यीशु के कंधे पर, तुम्हारे पति पत्नी के बीच की प्रभुता यीशु के कंधे पर, बच्चों और माँ बाप के बीच की प्रभुता यीशु के कंधे पर। आपसे वादा करता हूँ, जो टेंशन चल रहे थे इसी पर रिलीज होते यीशु के नाम से, यीशु के कंधे पर सौंपते। नहीं समझ में आया।